तो अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जल, ठीक है। तो LSS कर दो यार, आपको पता है LSS यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में, ठीक है, कर दोगे आप, मुझे पक्का यकीन है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। जल के बारे में सोचने इस पर आपको मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी जल प्राप्त वर्षा की रिमझिम नल के जल के बारे में सोचने लगे, ठीक है। बच्चे वर्षों से बड़े गड्ढों में कागज की नाव तैर कर बहुत खुश होते हैं, ठीक है, आप होते हो कि नहीं? होते हैं ना, बस वही। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वहाँ जल कहाँ चल जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल बाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है। यहाँ से हम वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, ठीक है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल और एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं? तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलते रहता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, ठीक है। देखो महासागर लेके ये वाला, ठीक है, इधर देखो महासागर मतलब ये, ठीक है। मेरी पेंसिल चेंज कर लेता हूँ, ठीक नहीं है, बिना रेड वाली, ठीक है, ओके। तो ये महासागर है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, महासागरों और ये वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल और धरती, ये रही अपनी प्यारी धरती, ठीक है। तो तीन के चक्कर लगाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऊपर गया, बाष्पीकरण हो गया, फिर संघनन, फिर वर्षण, ठीक है, फिर वहाँ, ठीक है। ऐसा कुछ में कैसे यू साइकिल रचती है, ठीक है, यू अंग्रेजी मूलाक्षर यू बनता है, तो बस उसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, ठीक है। एकदम ईजी है, ये एग्जाम में पूछा था, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब पूछा था, ठीक है, परीक्षा में मुझे भी आया था और आपको भी आएगा, मुझे पता बताया, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। अब ये थलशाला क्या है, तो बोलता हूँ थलशाला यानी कि एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी लो, बराबर, उसे अच्छी तरह से दबा दो, ठीक है। उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाए, हम सबसे बड़े पौधे लगाए, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधों को व्यवस्थित करें, इनमें जल की फुहार छिड़क बंद कर दे, ठीक है, छिड़के जार को बंद कर दे। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों में रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, थलशाला कहते हैं, ठीक है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित है वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा की खेती में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, सोते एवं हिम नदी है, ठीक है। अब अलवण क्या है, तो अब हम सिक्स क्लास में कवर कर चुके, लेकिन नहीं, अब तो मैं बोल देता हूँ। अलवण यानी कि हमारे पृथ्वी का जो है वो 0.3 का हिस्सा है, ठीक है। मतलब आपको पता है 79% शायद पानी है, ठीक है, नहीं 71% ऑल ओवर पृथ्वी में इतना परसेंटेज पानी है, ठीक है, इसलिए उसको नीलाग्रह कहा जाता है। तो अब जो अलवण जल है, ठीक है, वो जो 71% पानी है वो पीने योग्य नहीं है, मतलब कि खारा पानी है, ठीक है। तो ये अलवण जल यानी कि 0.3% है, तो वो एवं पीने के लिए एवं धोने के लिए, ठीक है, तो वो है अलवण जल, ठीक है। तो उसका स्रोत क्या है, नदी, तालाब, ठीक है, महासागर है, हिम नदी है, ठीक है। समुद्रों का जल लवणीय होता है, लवणीय यानी कि मैंने अभी बोला 71% वो थोड़ा खारा पानी का होता है, ठीक है भाई। अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड का खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, ठीक है। तो इसमें से मतलब लवणीय जल है जो खारा है, बराबर, तो उसमें से नमक बनता है, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी कि Na, ठीक है, क्या होता है, सोडियम यानी कि Na, यानी क्लोराइड मतलब Cl, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है NaCl, ठीक है, इतना आपको सातवीं कक्षा में इतना डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो सात खंडे हमारे, ठीक है, कौन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सात हो गए, नहीं हुए, एंटार्क्टिका शायद, ये सही, ये रहा। तो ऐसा अपने कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक शायद कौन सा रह गया, आप देख लेना, ठीक है। जल का वितरण कैसे होता है, तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह 3/4 भाग जल से ढका है, 3/4, ठीक है, कितना, 3/4 भाग जल से ढका है। यदि धरती पर जल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जल का वितरण जो है वो आपको सिर्फ इतना याद रखना, महासागर कितने परसेंटेज, 97.3, ठीक है, जो एक खारे पानी का जो कि कुछ काम का नहीं है, ठीक है। बर्फ कितनी है, तो फिर 0.2%, भूमिगत जल कितना है, तो 0.6 है, ठीक है। झीलों का अलवण जल कितना है, 0.009, मतलब विचार करो, पीने योग्य पानी सिर्फ 0.09% है, और आप लोग नुस्ता पानी का वेस्ट करते हो, तो नहीं करना मित्रों प्लीज़, ठीक है। समुद्र एवं नमकीन झीले तो 0.009, ठीक है। वायुमंडल में जल कितना है, 0.001, मतलब विचार करो आप कितना है। नदियों इतनी बड़ी बहती है, ठीक है, तब भी उनकी नदियों का आप टोटल मारो तो 0.0001, मतलब ना के बराबर है, ठीक है।
ये अब आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो उसकी निकट परिस्थिति ऐसी कड़क आ जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ये कितना उपयोगी और हम जो वेस्ट करते हैं ना वो कितना हानिकारक है। ठीक है, अब आपको नहीं पता चलेगा आगे, जब आप यही पानी का नॉर्मल पाउच है वो आप 100 रुपये का जब आप खरीदोगे ना सिर्फ 1 लीटर का, तब आपको पता चलेगा। जब आज की सिचुएशन में देखें तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, 100 रुपये ना, तो आप हमको पता चलता है ना, ठीक है, कि भाई कितना लीटर वेस्ट नहीं करना चाहिए था वो सब, तो वो पानी का होगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो वो सब जाने दो, देखते हैं क्या है। लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, ठीक है, महासागर औसतन लवण का 35% भाग 1000 ग्राम है। ठीक है, जाने दो वो सब कुछ नहीं। क्या आप जानते हो इसराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवण होता ही है, तैराक इसमें पलक सकते हैं क्योंकि नमक की अतिरिक्त इसे सघन बना देती है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है कि नहीं, आप 1 लाख जल बगैर रह सकते हो, एब्सोल्युटली रह सकते हो, ठीक है, 10 घंटे शायद रह सकते हो, लेकिन अगर कोई के 20 घंटे या 1 दिन तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कितने ऐसे कंडीशन में स्त्री जो है अपनी माता है वो व्रत रखती है, ठीक है, उसमें ऐसा कोई नहीं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं रोक सकते, ठीक है, अपनी जल की प्यास को नहीं रोक सकते, प्यासे होने के केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ठीक है, ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, अवश्य लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर पर चलने से कुछ जादू सी अनुभूति होती है, ठीक है, होती है कि नहीं, पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी कभी शांत नहीं रहता। ठीक है, महासागरों की गतियाँ इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि तरंगे, ज्वारभाट एवं धाराएं। अब ये क्या है तो डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो तरंगे क्या है, ये कुछ नहीं है, तरंगे यानी कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे तरंगे कहते हैं। ठीक है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, तूफान में तेज वायु चलने पर इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन का कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। ठीक है, ज्वालामुखी भी आपको पता है, भूकंप यानी कि तिरार दरारे पर, यानी कि भूस्खलन यानी कि नदी है, सपोज नदी नहीं, आप महासागर की बात कर रहे हैं, ये महासागर है। ठीक है, यहाँ पर पानी 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 भरा है। ठीक है, तो इसके अंदर ना जब क्या बोलते उसको ऐसा ऐसा क्या बोलते अंदर से हवा ऐसी आएगी जोर से, ठीक है, प्रेशर से, तो ये जो है पानी तो वो इस तरफ से देखो ये दिखाई दे रहा है, इस तरफ से ऐसा ऐसा गिरेगा। ठीक है, तो वो बहुत ही भूस्खलन बहुत ही विनाशक है, उसके कुछ किलोमीटर तक ये पानी उछलता है और फिर पूरी जो बस्ती है उसका नाश कर देता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा हानिकारक है, बराबर भूस्खलन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसे हम रोक भी नहीं सकते। 10 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या कहते हैं, देखो भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित होता है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। देखो ये जो है वो ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा करो तो वो कितना होता है, 15 मीटर की ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, तो मतलब वो बहुत ही दूर ऐसे जाके गिरता है। ठीक है, अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर, 200 मतलब 150 कितना ऊंचा है। ठीक है, को ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज जल में, विचार करो 700 किलोमीटर कहाँ रहा, बराबर 2004 की सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था, सुनामी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा प्लाईवुड डूब गया था। सुनामी क्या है, पृथ्वी का तांडव है, तो देख लेते थोड़ा क्या है, आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते लेकिन 2 मिनट लगेगी, आप देख लो। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ है। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर मैपन पर 9.0 मापी गई थी, भारतीय प्लेट 9.0 मापी गई थी, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे घिस गई, भारतीय प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी और समुद्र तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई थी, यह कारण भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा, फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया जिसकी तुलना वास्तविक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप
पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इंदिरा पाइवंट जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में स्थित है वो भी डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगे की लंबाई कम होती गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। मतलब 700-900 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक हो गई। समुद्र तट की सुनामी की तरंगें 3 किलोमीटर तक गहराई गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, 1,00,000 से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश, तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पौंडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह सार्वत्रिक प्रभावित हुए। यदि इससे पहले भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं था, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में यह सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की संवैधानिक विकास विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय विस्तारों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी के आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा होता है तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। मतलब आप सोच सकते हैं उन्होंने क्या किया। मैंने कहा था आपको अभी कि ये महासागर तो इसके कुछ नीचे कुछ ऐसा तिरारे पड़ती है, ठीक है, तो उसमें तिरारे के यानी कि पानी रहता है, ठीक है। ये महासागरों में क्या है, पानी, तो ये इसके अंदर चले जाता है, ठीक है। तो अब पर्यटकों जो आसपास के रहते हैं तो उसने क्या किया, अरे वाह, सोचा कि अरे वाह क्या बात है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, पानी नीचे गया, यानी कि वो जो किनारा रहता है तो उसका पानी थोड़ा पीछे की साइड गया, ठीक है। तो ये पर्यटकों के पर्यटकों ने क्या किया, थोड़ा आगे गए और आगे गए देखने के लिए, मजा देखने के लिए, ठीक है। तो अचानक फिर क्या हुआ, यहाँ से भूस्खलन हुआ, ठीक है, सुनामी हुई, तो यहाँ से पानी ऐसे दूर दूर ऐसे उछलने लगा, ठीक है, जैसे आकृति में दिखाई दे रहा है ऐसा ऐसा उछलने लगा। तो उससे जो छे वो जो प्रजाति थी, ठीक है, तो वो मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है जारभाट। जारभाट किसे कहते हैं, तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठाव एवं गिरना, उठना एवं गिरना जारभाट है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठा जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है, जब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने नियंत्रण स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे लगता है तो उसे भाटा कहते हैं, ठीक है। देखिए आप, भाटा और ज्वार भाटा अलग है, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आती है, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक गुरुत्वाकर्षण से जल अभिकर्षित होता है, ठीक है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो जाते हैं और इस समय उच्च ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, ठीक है, तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाट आता है। इसे ज्वार को लघु ज्वार भाट कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार फिर से ले लो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया समझाया है, ठीक है। उच्च ज्वार भाट किसे कहते हैं, तो नौसा उच्च ज्वार भाट है, वो नौसंचालक में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, ठीक है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है, जिसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाट होने के वाले जल को उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बढ़ने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लोबारडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गल जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, ठीक है। जिस स्थानों पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वहां स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका पूर्वी तटीय उस कुछ उदाहरण है, ठीक है। जहां गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहां कुहारे वाला मौसम बनता है, जिसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कैसा लगा मेरे दोस्तों वीडियो, अगर आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ यार LSS कर दो यार, LSS यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है यार, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तो होंगे यार, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक भी फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो, बस खाली शेयर करना यार, ठीक है। ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश।